बाजना नगर पंचायत के बड़ा बाजार मोहल्ला में कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलने से लोगों में सनसनी फैल गई। कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मेन रोड पर खाद बीज की दुकान करता था, जिससे स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन हरकत में आ गया, जिसके बाद विभाग द्वारा कोरोना संक्रमित व्यक्ति के घर के आसपास के 250 मीटर एरिया को सील कर दिया गया। इस पूरे इलाके की सभी दुकानें बंद करा दी गईं और इस एरिए के सभी आवाजाही के रास्ते बंद कर दिए गए। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि संक्रमित व्यक्ति पहले अन्य बीमारियों से ग्रसित था, जो मेट्रो अस्पताल फरीदाबाद में दवा लेने के लिए गया था, जहां उसका कोरोना टेस्ट हुआ, इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं परिवार के लोगों ने पॉजिटिव व्यक्ति की रिपोर्ट आते ही उसे तत्काल निजी वाहन से छाता हाईवे स्थित केडी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने परिवार के अन्य 7 सदस्यों को क्वारंटाइन के लिए वृंदावन भेज दिया। नगर पंचायत के कर्मचारियों द्वारा हॉटस्पॉट एरिया से 250 मीटर की सीमा में सैनिटाइज और सफाई कार्य प्रारंभ कर दिया। इसमें नगर पंचायत के कर्मचारी चौधरी ऋषिपाल सिंह, प्रमोद पाठक, बड़ा बाजार के सभासद भोला सेठ, व्यापार मंडल के महामंत्री मुकेश जी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ स्थानीय थाना और चौकी का फोर्स मौके पर पहुंचा। वहीं हॉटस्पॉट एरिया में लोगों को आने से मना किया गया, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क का पालन करने के लिए लोगों से अपील की गई। वहीं उपजिलाधिकारी मांड द्वारा सील्ड एरिया का दौरा करने के बाद बताया गया कि बाजना के सभी बैंक 2 दिन के लिए बंद रहेंगे। 2 दिन के बाद सैनिटाइज करने के बाद बैंक खोले जा सकेंगे। जी सर, बताइए, बाजना में कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, जिस जगह का आप दौरा कर रहे हैं, क्या पॉजिटिव संज्ञान आते हैं उसको पहले मोहल्ले को सील करा दिया गया है। सैनिटाइजिंग का काम चल रहा है। कल डॉक्टर साहब, उनका परिवार आएगा तो उनके घर के अंदर भी डॉक्टर साहब सैनिटाइज कर देंगे, और जो 250 मीटर के रेडियस है उसको सील करा दिया गया है। सबसे आह्वान किया जा रहा है कि अपने घरों में रहें, जिसको कोई चाहिए तो यहाँ से आकर के व्यापारी कार्य करें तो उनको राशन पानी दूध दिया जाएगा। यदि किसी को जाना है तो 24 घंटे में एक बार जा सकते हैं, और सब अपने होम क्वारंटाइन रहें, जिससे कि मोहल्ला बचे और पूरा कस्बा बचे, पूरा देश। तो सर, यहाँ पर जो भी कितने लोगों को होम क्वारंटाइन या मोहल्ले कर दिया गया, इनके परिवार जो क्लोज कॉन्टेक्ट थे उनमें 6 लोगों को ले जा करके वृंदावन में क्वारंटाइन कर दिया गया। तो सर, यहाँ पूरे नगर पंचायत को यहाँ सैनिटाइज किया जा रहा है, इसी इलाके को किया जा रहा है? हाँ, नगर पंचायत, पूरी नगर पंचायत को सैनिटाइज किया जा रहा है, इसी इलाके को किया? नहीं, इसी गली पहले किया जा रहा है, पहले इस गली को 250, फिर बाद में पूरा मोहल्ला, पूरा नगर पंचायत करेंगे। बताइए, बाजना में कोरोना पेशेंट मिला है, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, बाजना में एक महेश चंद्र जी हैं, जो कि उनको फीवर वगैरह की शिकायत थी, वो फरीदाबाद गए हुए थे फोर्टिस अस्पताल में अपना फीवर का चेक कराने के लिए। वहाँ के डॉक्टरों ने उनकी कोविड की भी 19 की भी जांच कराई, जांच में उनका पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने के बाद हमें जो कंट्रोल रूम से इन्फॉर्मेशन मिली, इमीडिएटली हम लोगों ने एक्शन लिया। उनकी फैमिली को हम लोग क्वारंटाइन कर रहे हैं। सम ऑफ द मेम्बर्स कृष्णा कुटीर में हैं और महेश जी को जो है L2 में रेफ़र किया गया है, क्योंकि उनको शुगर वगैरह की शिकायत है। वो टोटल 4 भाई हैं, उनके चारों भाई की फैमिली को जो है हम लोगों ने क्वारंटाइन करते हुए उनके फैमिली से जो मेल मेंबर्स थे, हम लोगों ने उनको कृष्णा कुटीर भेज दिया है। इनकी शॉप को भी हम लोग सील कर रहे हैं। इनके शॉप में काम करने वाले जितने भी मजदूर हैं या इनके यहाँ जो भी दूध देने के लिए आते थे, फल वगैरह के लिए जो आते थे, उन सबको हम क्वारंटाइन करेंगे और सभी जगह को सील करते हुए सैनिटाइज करेंगे। सर, यहाँ के लिए कोई नगर पंचायत के लिए कोई हिदायत दी गई हो इस तरह की, क्या सील करने के लिए, क्या कितना है? 250 मीटर के एरिया में जितनी भी दुकानें और जितनी भी घरें हैं, सारी जो एरिया को हम लोग सील करवा रहे हैं। ये सारा कैंटोनमेंट जेन होगा और इसमें जो है किसी के आने जाने की परमिशन नहीं होगी, किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि नहीं होगी। हम लोगों ने सख्ती ये हिदायत दी है कि एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, एक दूसरे से जो है जब भी मिलने की कोशिश हो, अर्जेंसी हो या किसी प्रकार का बुखार या कुछ आ रहा है तो इमीडिएट जो है CHC नोजिल पे इन्फॉर्म करना है। हम लोगों की टीम आकर के एग्जामिन करेगी और जो भी होगा उसकी सहायता की जाएगी।